हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडिया के सबसे बड़े दो एक्टर रजनीकांत सर की टॉप 5 बेस्ट मूवी वर्सेस थालापति विजय सर की टॉप 5 बेस्ट मूवी को लेकर। देखेंगे 2010 की बाद इन दो एक्टर की मूवी में से किसका मूवी बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इस वीडियो में रजनीकांत सर के साथ विजय सर की वर्सेस नहीं हो रही है। इस वीडियो में रजनीकांत सर की मूवी के साथ विजय सर की मूवी का वर्सेस हो रही है। आप लोगों ने तो जानते हो रजनीकांत सर तमिल इंडस्ट्री के ग्रेटेस्ट एक्टर है, जहाँ पर विजय सर अभी की टाइम में तमिल इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्टर है। 2010 की बाद रजनीकांत सर की ओनली 9 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुआ है, जहाँ पर विजय सर की 2010 की बाद 15 फिल्म रिलीज हुआ है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना एंड इस वीडियो को लाइक कर हमारे साथ में रहना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं रजनीकांत सर की मूवी को लेकर। नंबर 5 पर है दरबार। दरबार 2020 की एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस मूवी का लीड रोल में था रजनीकांत सर और नयनतारा मैम। इस मूवी को डायरेक्शन दिया था AR मुर्गदास सर ने। बात करते हैं इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट को लेकर। इस मूवी का बजट था 160 करोड़ रुपीज़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 224 करोड़ रुपीज़। इस मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म था। अब बात करते हैं थालापति विजय सर का मूवी का लेकर। नंबर 5 पर है 2016 का थ्री मूवी, थ्री एक्सटेन थ्रिलर मूवीज था। इस मूवी को डायरेक्शन दिया था एटली कुमार ने और इस मूवी का लीड रोल में था विजय सर और सामंता अखिनी। बात करते हैं इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। इस मूवी का बजट था 70 करोड़ रुपीज़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 165 करोड़ रुपीज़ और इस मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म था। नंबर 4 पर है पेट्टा। पेट्टा रजनीकांत सर की फिल्म है। पेट्टा 2019 पर रिलीज हुआ था। पेट्टा एक्शन ड्रामा फिल्म था। पेट्टा मूवी का लीड रोल में था रजनीकांत सर, विजय सेतुपति सर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर। इस मूवी को डायरेक्शन दिया था कार्तिक सुबराज ने। बात करते हैं इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। इस मूवी का बजट था 140 करोड़ रुपीज़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 233 करोड़ रुपीज़ और इस मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्म था। थालापति विजय सर के नंबर 4 पर है मास्टर। मास्टर 2021 पर रिलीज हुआ था। मास्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म था। मास्टर मूवी का लीड रोल में था थालापति विजय और विजय सेतुपति सर ने और इस मूवी को डायरेक्शन दिया था लोकेश किनग्रास ने। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। मास्टर मूवी का बजट था 135 करोड़ रुपीज़ और मास्टर मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 245 करोड़ रुपीज़ और मास्टर मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म था। रजनीकांत सर की टॉप 5 बेस्ट फिल्म की लिस्ट में नंबर 3 पर है रॉबर्ट। रॉबर्ट 2010 पर रिलीज हुआ था। रॉबर्ट मूवी का लीड रोल में था रजनीकांत सर, ऐश्वर्या राय बच्चन और इस मूवी को डायरेक्शन दिया था एस शंकर ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था लाइका प्रोडक्शन ने। बात करते हैं इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। इस मूवी का बजट था 200 करोड़ रुपीज़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 311 करोड़ रुपीज़। यह बॉक्स ऑफिस पर एक इंडस्ट्री ब्लॉकबस्टर फिल्म था। थालापति विजय सर की टॉप 5 बेस्ट फिल्म की लिस्ट में नंबर 3 पर है सरकार। सरकार 2018 पर रिलीज हुआ था। सरकार मूवी को डायरेक्शन दिया था AR मुर्गदास ने और सरकार मूवी का लीड रोल में था थालापति विजय सर और कीर्ति सुरेश मैम। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। इस मूवी का बजट था 130 करोड़ रुपीज़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 258 करोड़ रुपीज़। इस मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म था। इस लिस्ट की नंबर 2 पर है रजनीकांत सर की काबाली। काबाली 2016 पर रिलीज हुआ था। काबाली रजनीकांत सर की करियर की बेस्ट फिल्म है। काबाली मूवी को डायरेक्शन दिया था PR राजित ने और इस मूवी का लीड रोल में था रजनीकांत सर ने। बात करते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। इस मूवी का बजट था 150 करोड़ रुपीज़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 313 करोड़ रुपीज़। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक इंडस्ट्री हिट फिल्म था। इस लिस्ट की थालापति विजय सर की नंबर 2 फिल्म है मार्शल। मार्शल 2017 पर रिलीज हुआ था। मार्शल मूवी का डायरेक्शन दिया था अतली कुमार ने और इस मूवी का लीड रोल में था थालापति विजय, काजल अग्रवाल और सामंता अखिनी मैम। इस मूवी में विजय सर ट्रिपल रोल प्ले किया था। बात करते हैं इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। इस मूवी का बजट था 120 करोड़ रुपीज़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था
267 करोड़ रुपीस। इस मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म था। रजनीकांत सर की टॉप 5 बेस्ट मूवी का लिस्ट पर नंबर 1 पर है 2.0 2018 पर रिलीज हुआ था। इस मूवी को डायरेक्शन दिया था एस शंकर ने और इस मूवी का लीड रोल में था सुपरस्टार रजनीकांत सर। बॉलीवुड से था खिलाड़ी अक्षय कुमार और एमी जैक्सन। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था लाइका प्रोडक्शन ने। बात करते हैं इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। इस मूवी का बजट था 550 करोड़ रुपीज़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 800 करोड़ रुपीज़। इस मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म था और 2.0 अभी तक की हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म है तमिल इंडस्ट्री में। अब बात करते हैं थालापति विजय सर की टॉप 5 बेस्ट फिल्म की नंबर 1 फिल्म के बारे में। नंबर 1 पर है बिगल। बिगल 2019 पर रिलीज हुआ था। बिगल मूवी में थालापति विजय सर ने डबल रोल प्ले किया था। इस मूवी का डायरेक्शन दिया था एटली कुमार ने और इस मूवी का लीड रोल में था थालापति विजय और नयनतारा मैम और बॉलीवुड से था जैकी श्रॉफ। इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं। इस मूवी का बजट था 180 करोड़ रुपीज़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 304 करोड़ रुपीज़। इस मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म था। 2010 की बात, रजनीकांत सर की टॉप 5 फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है 1881 करोड़ रुपीज़, जहाँ पर विजय सर की टॉप 5 हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म ने कलेक्शन किया है 1239 करोड़ रुपीज़। देखते हैं रजनीकांत सर की 2010 की बात टोटल 9 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपीज़ कलेक्शन किया है। टोटल 9 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है 2468 करोड़ रुपीज़, जहाँ पर विजय सर की टोटल 15 फिल्म 2010 की बात बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है 2202 करोड़ रुपीज़। थालापति विजय सर की मूवी से रजनीकांत सर की मूवी ओनली 266 करोड़ रुपीज़ ज़्यादा कलेक्शन किया है बॉक्स ऑफिस पर। तो इस बासिस में रजनीकांत सर विनर हैं। आप किसका फैन हो, थालापति विजय सर की और रजनीकांत सर की, हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर हमारे साथ में रहना। धन्यवाद।